हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर रैम हेल्थ कैसे चेक करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है विंडो मेमोरी। इस तरह से टाइप कीजिएगा। टाइप करते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, रीस्टार्ट नाउ चेक योर प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा सेव योर वर्क। यदि आपका कोई भी फाइल ओपन है जिस फाइल को आपने सेव नहीं कर रखा होगा तो उसको आपको सेव करके रख लेना है, क्योंकि अभी ये रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपका फाइल सेव नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्लिक करने से पहले यदि कोई भी फाइल आपका ओपन है जिसको आपने सेव नहीं कर रखा है तो उसको पहले सेव करके रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, ये इस तरह से रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आपको वेट करना है। इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको वेट करना है। जब तक ये 100% कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे आपको वेट करना है। सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा, बस आपको यहाँ पे वेट करना है।
100% कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है इवेंट व्यूअर, इस तरह से टाइप कीजिएगा। टाइप करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में विंडो लॉग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम दिख जाएगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है मेमोरी, इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है डायग्नोस्टिक, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंसिल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेमोरी डायग्नोस्टिक रिजल्ट, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसे ही यदि आपको नेक्स्ट पे जाना होगा तो यहाँ से क्लिक करके आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, दूसरा भी देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है, इसको भी यहाँ से क्लोज कर देना है। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।